एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो सर्च मेनू होता है, सर्च के लिए जगह होती है, यहाँ पे सर्च बार पे, सर्च एरिया में हम लिखेंगे एक्सेल। क्या स्पेलिंग होती है एक्सेल की? स्क्रीन पे एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपके रो एंड कॉलम, इस तरह से रो एंड कॉलम, हाँ ऐसे ये रो होती है और ऐसे कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स जो होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट होते हैं और रो जो होती है वो नंबर में रिप्रेजेंट होती है। इतना समझ में आया सबको? Yes. इसके बाद अब हम सबसे पहले सीखेंगे सेल्स में एंट्री करना। तो हमारा जो, जैसे हम वर्ड पे काम करते हैं तो वहाँ पे एक ब्लिंकिंग लाइन होती है जिसे कर्सर कहते हैं, और वो कर्सर जहाँ पे होता है हम वहीं से काम शुरू कर पाते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर जो ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इस बॉक्स को कहते हैं सेल पॉइंटर। क्या कहते हैं? सेल पॉइंटर। और इस सेल पॉइंटर को जहां पर भी हम क्लिक करेंगे ये वहां उस सेल पर पहुंच जाता है। तो डाटा एंट्री करने के लिए हमें जिस सेल पे एंट्री करनी है हमें अपना सेल पॉइंटर वहां पहुंचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ए नंबर कॉलम और वन नंबर रो, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? A1। क्या एड्रेस होगा इसका? A1। हाँ, A1 पे हम यहाँ पे सपोज रोल नंबर लिखते हैं, और रोल नंबर लिखने के बाद में हम अपनी क्लास के बच्चे, क्लास में जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास? 42 नंबर्स यहाँ पे एंट्री करनी है। तो क्या हम 42 टाइम्स एंट्री करेंगे? हाँ, एक्सेल में यही सबसे बड़ी खासियत है, फायदा है कि हम यहाँ पे 2 से 3 नंबर फीड करने के बाद में उसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके हम ऑटो फिल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 की एंट्री करेंगे। इसके बाद इन्हीं 3 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो टेबल रिसाइज बटन होता है स्क्वायर शेप में बहुत छोटा सा, जब हम हमारा माउस पॉइंटर इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये देखो ब्लैक कलर का प्लस बन जाता है। जैसे ही ये ब्लैक कलर का प्लस बनता है इसको हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस एंड होल्ड करेंगे और इसे ऐसे ड्रैग करते चले जाएंगे। जहाँ तक हमें नंबर चाहिए हम वहाँ तक लाकर इसे छोड़ देंगे। हमें 42 बच्चे हैं तो 42 नंबर चाहिए, और एक बार में हमने हमारी रोल नंबर की एंट्री कर ली। इतना समझ में आया? वेरी गुड। इसके बाद हमें यहाँ पे नाम फीड करने हैं। तो नाम फीड करने के लिए सबसे पहले हम टेबल की हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग में यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स नेम लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम। और इसके बाद देखो हमारा ये जो सेल था इसमें जो डाटा हमने फीड किया है ये हमारे सेल से बड़ा है, तो हम इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं सेल को? इसके 2 तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका है कि हम यहाँ पर ये जो यहाँ पे लाइन बन रही है, इसके एडजॉइनिंग लाइन है बी और सी कॉलम के बीच में, इस पे हम हमारा माउस पॉइंटर ले जाके और ये इस तरह से हैंडल बन के आता है इसको प्रेस एंड होल्ड करके ड्रैग करेंगे और ये हमारा कॉलम बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि हम यहाँ पे अपना ये टेबल रिसाइज हैंडल जो है इसको रखने के बाद 2 बार जल्दी जल्दी डबल क्लिक करेंगे और ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट या अकॉर्डिंग टू डाटा अपने अकॉर्डिंग उतना बड़ा हो जाएगा। आया समझ में? Yes, ma'am. तो सब लोग इतना कर लेंगे? Yes, ma'am. वेरी गुड। यहाँ पे हम नाम फीड करेंगे। इसके बाद तीसरा कॉलम हम बनाएंगे मार्क्स का। ठीक है, तीसरा कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले सब्जेक्ट है,
हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। और यहाँ पे भी हम अपने कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और टेबल हैंडल जो रिसाइज हैंडल होता है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो देखो अकॉर्डिंग टू डाटा हमारा जो कॉलम था उसी के अकॉर्डिंग रिसाइज हो गया है ना। पहले इतना स्पेस इनमें खाली जो दिखा रहा था अब नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे नंबर फीड करेंगे। सपोज बच्चा है क्लास में आरव, है ना आपकी क्लास में, अब उसके नंबर हिंदी में कौन है आरव? तुम्हारे नंबर तो अच्छे नहीं आते हैं तो यहाँ पे इसको 15 हिंदी में, 15 इंग्लिश में, 20 मैथ में और 19 ईवीएस में। ज़्यादा तो नहीं दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ टोटल करना है। अब ये हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यानी सम का वो सीखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, यानी इसने टोटल कितने मार्क्स पाए हैं वो लिखना है। तो बहुत इजी है इसे टोटल करना, बहुत ही इजी, कुछ नहीं करना आपको। जिन नंबरों को जोड़ना है उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑटो सम, ये आपका ऑटो सम बना हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ भी, और इसका ये सिंबल है सिग्मा स्टाइल में, इस पर क्लिक करते ही इसका टोटल हो जाता है। हो गया ना? अगर आप मैनुअल करते तो बहुत टाइम लेते, उसके अलावा गलती होने की भी संभावना हो सकती थी, है ना। तो यहाँ पे गलती भी नहीं होगी और जो भी नंबर आपने यहाँ फीड किया है उसके अकॉर्डिंग ये उसे टोटल कर देगा, कोई गलती नहीं होगी। अब आप क्या कर सकते हो, बार बार आपको टोटल नहीं करना है। एक्सेल में ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपने सिर्फ एक कॉलम को प्लस किया, फिर उस वाले कॉलम पे सेल पॉइंटर रखा। इसके भी इस पे ये जो आपका बटन है, हाँ, इस पे आपने माउस पॉइंटर रखा और इसे प्रेस एंड ड्रैग कर दिया वही उसी नंबर तक जहाँ तक बच्चे थे आपकी क्लास में। अभी यहाँ नंबर फीड नहीं है तो जीरो आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ नंबर फीड करेंगे अपने आप वहाँ टोटल आने लगेगा। अब सपोज दूसरा बच्चा है दीपक और इसके हमने नंबर दिए 16, 20, 25, 22। अब देखो बताओ टोटल होगा या नहीं होगा या जीरो ही होगा वहाँ पर? टोटल होगा। क्यों होगा कोई बता सकता है? क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल का जो फॉर्मूला था उसको कॉपी कर दिया है इन सारे पूरी कॉलम पे। तो अब जो भी हम नंबर यहाँ फीड करेंगे ये ऑटोमेटिक उसे प्लस कर देगा, सम कर देगा उसका। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आप इसका नंबर बदलोगे, चेंज करोगे, तो आपका यहाँ टोटल में भी चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ 25 है, हम इसे 20 करेंगे तो 83 में से 5, जैसे यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी माइनस हो जाएगा 5। ये देखो हो गया। अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो वहाँ पे भी प्लस हो जाएगा टोटल में। आया समझ में? Yes, सब बच्चे कर